सूर्या ने हैदराबाद में खेली तूफानी पारी, देखती रह गई दुनिया सारी। कोहली ने भी बल्ले से मचाया कोहराम, ऑस्ट्रेलिया को दिखाया टीम इंडिया का दम। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा और सीरीज का फाइनल T20 मैच हैदराबाद के मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में टीम इंडिया ने जीत दर्ज करते हुए सीरीज भी अपने नाम कर ली। इस मैच में एक बार फिर से टीम इंडिया के सूर्या ने अपनी चमक बिखेरी और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की जमकर बखियां उधेड़ी। सूर्या ने सिर्फ 36 गेंदों में ही 69 रन बनाकर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर कहर बरपाया और टीम इंडिया को मैच जिताया। चलिए आपको बताते हैं इस मुकाबले में सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली की पारियों की सबसे खास बात क्या रही। खराब शुरुआत के बाद भी जीता भारत। सीरीज के तीसरे और आखिरी T20 मैच में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 20 ओवर में दमदार बल्लेबाजी करते हुए 186 रन बनाए। भारत को 187 रनों का लक्ष्य मिला, लेकिन टीम इंडिया की शुरुआत काफी खराब रही क्योंकि सीरीज के इस डिसाइडर मैच में ना तो राहुल का बल्ला बोला और ना ही रोहित शर्मा सुपर हिट पारी खेल पाए। लेकिन कोहली और सूर्या ने टीम इंडिया को न सिर्फ जीत दिलाई बल्कि सीरीज भी जिताई। सूर्या कोहली ने हैदराबाद में बोला हल्ला। दोनों ओपनर्स के आउट होने के बाद सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली ने भारतीय पारी को संभाला। दोनों ने पहले तो धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ाया। कोहली एक एक रन लेकर स्ट्राइक रोटेट करते रहे और सूर्य कुमार यादव अपने दिलकश शॉट से मेला लूटते रहे। बीच बीच में कोहली भी अपने बेहतरीन शॉट का प्रदर्शन कर ऑस्ट्रेलियाई टीम को अपनी क्लास दिखाते रहे। इस बीच सूर्या ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। इसके बाद तो वो और ज्यादा खतरनाक हो गए और सिर्फ चौके और छक्के ही लगाने लगे। सूर्या ने सिर्फ 10 गेंदों में बनाए 50 रन। सूर्या ने अपनी पारी में 50 रन तो सिर्फ 10 गेंदों में ही बना दिए क्योंकि सूर्या ने अपनी 69 रनों की इस पारी के दौरान 5 चौके और 5 छक्के लगाए। सूर्य की आतिशी पारी को देखा जाए तो उन्होंने सिर्फ 36 गेंदों में 69 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 5 चौके बनाकर 20 रन बटोरे तो वहीं 5 छक्के लगाकर उन्होंने 30 रन बनाए। सूर्य ने इस तरह से सिर्फ 10 गेंदों में 50 रन तो सिर्फ चौके और छक्के लगाकर ही बटोर लिए। कोहली और सूर्य के बीच 104 रनों की साझेदारी हुई और इस साझेदारी ने ऑस्ट्रेलियाई टीम की कमर तोड़ दी। हालांकि इसके बाद सूर्य कुमार यादव आउट हो गए। सूर्य के आउट होने के बाद कोहली ने अपनी क्लास दिखाई और उन्होंने भी हाफ सेंचुरी लगा दी। T20 इंटरनेशनल में विराट कोहली का ये 3300 अर्धशतक रहा। हार्दिक कोहली ने दिलाई भारत को जीत। इसके बाद हार्दिक पांड्या और विराट कोहली की जोड़ी ने मिलकर टीम इंडिया को जीत दिला दी। ये दोनों पहले तो मैच को एकदम करीब लेकर गए, लेकिन 19वें ओवर में पांड्या ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी का अंदाज दिखाया और एक शानदार छक्का लगाया और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए। भारत को अंतिम ओवर में जीत के लिए 11 रनों की जरूरत थी। कोहली ने पहली ही गेंद पर छक्का लगाकर टीम इंडिया की जीत पक्की कर दी। हालांकि अगली ही गेंद पर वो आउट हो गए, लेकिन इसके बाद पांड्या ने चौका लगाकर टीम इंडिया को जीत दिला दी और इसके साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से टीम इंडिया ने इस ऑस्ट्रेलियाई सीरीज में दमदार प्रदर्शन किया है, क्या टीम इंडिया इस तरह से वर्ल्ड कप भी जीत पाएगी? क्या रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर पाएगी? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही साथ ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।